हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे एनालॉग टाइमर को कनेक्शन करना और टाइम सेट करना। तो सबसे पहले मैं ओल्ड टाइमर को रिमूव करता हूँ जो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं टाइमर के कनेक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। मैं सभी वायर को एक एक करके निकाल दूँगा। इसके बाद नया टाइमर लगाएंगे। ये नया टाइमर है, इसके ग्लास को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो मैं ग्लास को ओपन कर दिया हूँ। इसमें 5 टर्मिनल है, 1 और 2 इनपुट फेस न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, 3 नंबर कॉमन पॉइंट है, 4 नंबर एनओ पॉइंट है और 5 नंबर एनसी पॉइंट है। तो मैं इसका डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं टाइमर का कनेक्शन कर रहा हूँ। 1 नंबर में इनपुट फेस कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर से ही 3 नंबर में एक वायर को लूप करेंगे। तो मैं 1 नंबर से 3 नंबर में लूप कर दिया हूँ। मैं अभी टाइमर को सी चैनल से बाहर निकाल के कनेक्शन करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरह से दिखाई दे। तो मैं 2 नंबर में इनपुट न्यूट्रल और आउटपुट न्यूट्रल एक ही में कनेक्ट करता हूँ। तो मैं न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया हूँ। अब जो 4 नंबर पॉइंट है, इसमें 4 नंबर पॉइंट एनो पॉइंट है, इससे आउटपुट जो निकलेगा वो डायरेक्ट लोड में जाएगा फेस। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर इनपुट कनेक्ट करेंगे और 1 नंबर से 3 नंबर में लूप कर देंगे, कॉमन पॉइंट है, और 4 नंबर एनओ पॉइंट है और 5 नंबर एनसी पॉइंट है। सभी का टाइटनेस चेक कर लेंगे एक बार। और ये एमसीबी से इनपुट 2 वायर आ रहा है, आउटपुट 2 वायर कॉन्टेक्टर में जा रहा है। एक कॉन्टेक्टर पिकअप करेगा तो हमारा स्ट्रीट लाइट बाहर ऑन हो जाएगा। तो मैं सी चैनल पर टाइमर को इंस्टॉल कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये लीवर है जो नीचे रहेगा तो ऑफ कंडीशन में रहेगा और मिडिल में ऑटो में रहेगा और सबसे ऊपर मैनुअल कंडीशन में रहेगा। तो टाइमर का यूज हम स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं ताकि हमें बार बार स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ नहीं करना पड़े। हम इसमें इस टाइमर में टाइम सेट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा। इस टाइमर से मोटर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। हम टाइम सेट कर देते हैं कि हमें कितना बजे से मोटर को ऑन करना है या लाइट को ऑन करना है, तो ये ऑटोमेटिक उतना टाइम को मोटर या टाइम लाइट को ऑन करेगा ये टाइमर। तो मैं अभी इसमें टाइम सेट करूँगा शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे का। ये एरो है, इसके सामने मैं 18 को लाऊँगा। तो 18 को शाम 6 बजेगा। टाइमर को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से टाइमर ख़राब हो जाएगा। इसके बाद 18 से 6 तक के पिन को मैं ऊपर करूँगा। ये पिन को ऊपर रखेंगे तो ऑन कंडीशन में रहेगा और ये पिन नीचे है तो अभी ऑफ कंडीशन में। अभी सभी पिन को मैं ऑफ कंडीशन में रखा हूँ। तो मैं 18 से चालू करूँगा और 6 तक के पिन को ऊपर कर दूँगा। तो जब तक मैं पिन को ऊपर कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम सेट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ टाइमर का कनेक्शन और टाइम सेट करना आप सीख गए होंगे। तो मैं अब टाइमर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर आपको ऑन करके दिखाऊंगा। मैं जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप करेगा। मैं अभी ऑफ कंडीशन में है, इसको ऑन ऑटो में डालता हूँ। मिडिल में ऑटो रहेगा तो आप देखिए ये कॉन्टेक्टर है,
मैं इसको अभी टाइमर को ऑफ़ कर देता हूँ। अभी मैं टाइमर को ऑफ़ कर दिया हूँ। जैसे ऑन करूँगा ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और इस कॉन्टेक्टर से हमारा स्ट्रीट लाइट कनेक्ट है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। टाइमर जैसे ही ऑन करूँगा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अब देखिए कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है जैसे ही टाइमर को ऑन किया। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आप डायग्राम के अनुसार कनेक्शन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सपोर्ट करें प्लीज़।